अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआ की वजह से हम भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मूसा, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है कॉलेज में छोटे छोटे बेबी दिखाते हुए। इसका नाम है मूसा और इसकी मम्मी, मेरे ख्याल से हमारी कॉलेज की टीचर है, न्यू आई हुई है। तो इसका बेटा इतना क्यूट है, इतना क्यूट है, मछला इतना क्यूट है। मैंने कहा आंटी भी इसकी वीडियो बना लूँ, तो मुझे पता नहीं था ये टीचर है। मुझे तो पता चला ये टीचर है, देखिए इतना प्यारा लग रहा है। तो होता हमने बोला नीचे देखो, नीचे देखो, नहीं देखा हमने, बोला वो देखो नीचे क्या चीज़ परी, टॉफ़ी परी हुई है। उसने दो मिनट के लिए नीचे देखा, कहाँ पे, इतना प्यारा बेबी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर पढ़ पा। चूजा 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 बेबी को ना मैंने तो अपना भाई बना लिया है। और यहाँ पे ना हम लोगों ने बाहर से ना आलू का पराठा मंगवाया था, लेकिन इतना खास नहीं था, जो होता है ना देसी पराठा उसके साथ। दीदी पेकिंग नहीं आता, शापर तो नजर ही आ रहे हैं। हूँ तो दिखा रही हूँ शापर को, इतनी नूडल्स बनाई है हमने। तो यहाँ पे हमारे घर हमारी कज़न आई हुई थी, खाला की बेटियाँ, और वो खाला और मेरी मम्मा लोगों ने कहीं गए हुए थे बहुत दूर, हमारे साइड से बहुत दूर है। और उनको आते आते माशाल्लाह 3-4 बजे उन लोगों को, तो इसलिए इन लोग हमारे घर रुके थे और बहुत मज़े किए थे, बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। पहले नूडल्स बनाई, नूडल्स खाई, स्पाइसी भी की, सारी की सारी बना बना के, पॉपकॉर्न खाए, चाय पी, A few moments later. लोगों ने चाय पी, बहुत इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और यहाँ पे आपको हम दोनों मिलकर सो रहे थे, और यहाँ पे हम दोनों मिलकर इंजॉय कर रहे थे, साथ मिलकर सोए थे। मैंने अपना हाथी का सबूत के तौर पे कि यार तू हमारे साथ रुकी है, व्लॉग तो बनाए पूरा प्रॉपर मज़ेदार से। और ये नेक्स्ट डे हो गया और वो चले गए थे, सुबह नाश्ता करने के बाद चले गए थे, और उनके बाबा ले लोग लेने आ गए, उसकी मम्मा भी। यहाँ पे मैं अगले दिन मेरी फ्रेंड ने, आपने पुराने व्लॉग में तो देखा होगा, मेरी फ्रेंड ने ना फैसलाबाद से गिफ्ट भिजवाया था मेरे लिए, तो मैं उसकी टॉफियाँ खा रही थी बैठ कर, सबको दे भी थी, खुद भी खा रही थी। यहाँ पे मेरे खालू ना सोचा गए हुए थे, तो उन्हें हमारे लिए वहाँ से कॉफ़ी भिजवाई थी। कॉफ़ी इसको अरबी में ना तो कॉफ़ी बोलते, उसमें मैंने जहाँ भी देखा कॉफ़ी लिखा हुआ था, लेकिन हमने उनको बोला हमें चाय भेजा, वहाँ की ग्रीन टी, कहावा, ये चीज़ें भिजवाई। तो हमें ना हमें वहाँ का कहावा भिजवाया था, और वहाँ पे कॉफ़ी तो मैं फिलहाल उसको कॉफ़ी ही बोलूँगी, और भी बहुत मज़ेदार थी। लेकिन मेरी बहन ने ना इसको थोड़ा हैवी डोज बनवा दिया था। और यहाँ पर देखें इनके सारे पेज लिखे हुए, इंस्टा पे है, स्नैप भी है इनकी, इनके नंबर्स भी हैं। अगर कोई सऊदी अरब में रहता है ना तो ये ज़रूर पियो, और ये बहुत मज़ेदार था, लाइक बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। अगर कोई सऊदी अरब में है ना तो यहाँ पे सारे नंबर लिखे हुए, ऑर्डर कर ले। यहाँ पे 27.9 रियाल का है ये, जो सऊदी अरब में के होंगे ना उसको समझ जाएंगे कि कितने का है, क्या रेट है, कैसे है। और ये मेरी बहन ने मंगवाया था, यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स भी मैंने साथ साथ खाई थी, लेकिन इसके साथ है ना वो खाते हैं खजूर, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसका। और यहाँ पे टिकरे थी, जब चल रहा था तो टिकरे खाए, और ये देखे कहा थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था, इसमें डाला गया था पाउडर, तो जो दूसरी दफ़ा बनाया था वो बहुत मज़ेदार था। यहाँ पर ना सुबह सुबह उठ के ना मेरे बोला मम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा छोले, डेली छोले छोले रोटी छोले रोटी। मैंने चलो ठीक है तुम्हारी शक्शुका बना देती हूँ। ये शक्शुका है, ये तुर्किश डिश है, जो लोग तुर्किश देख रहे हैं ना उनको ज़रूर बताओगा कि हाँ ये वहाँ की है या नहीं, और कमेंट बताना है कि ये बिल्कुल ठीक है ना रेसिपी, या कभी किसी दिन शेयर करेंगे रेसिपी। वैसे ये रेसिपी तो मेरी मम्मी ने खुद अपने आप से बनाई है, जब हमने नेट में सर्च किया ना, मेरी सिस्टर बोलती है तो तुर्किश डिश है, इसी तरह शक्शुका बोलते हैं। तो मैंने कहा वाह 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 इतने मज़ेदार है शक्शुका, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। लेकिन इसमें ना मैंने फर्स्ट टाइम है ना बॉयल एग डाले थे, तो वो भी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मेरी छोटी बहन ना वो फ्राई एग नहीं खाती इसलिए। और यहाँ पे अपनी फ्रेंड का मेकअप कर रहे थे, क्योंकि यार हमारा मेकअप का पीरियड था, तो देखना कैसे मेकअप किया हम लोगों ने, बताना मुझे रेट करना कितने, 10 out of कितना। और ये बैग है, ये बैग यार मुझे बनाना है, लेकिन मैंने तो बाजार का चक्कर ही नहीं लगा, मेरा बाजार यार जाने का दिल ही नहीं करता, इतना रश होता है। तो बस मुझे ये बनाना है, बहुत प्यारा बैग लगा था मुझे। और यहाँ पे ना न्यू फ्लेवर आया हुआ लेज बेबी का ब्लैक सॉल्ट, लेकिन यार इतना शुरू शुरू में तो खास नहीं लगता, अभी बाद में नॉर्मल बहुत अच्छा लगता है। सबको हमारे घर में किसी को पसंद किया है, मुझे भी बस नॉर्मल लगा, अच्छा है इतना वो भी नहीं। और यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को ना कॉलेज ले कर रही थी, उसने कहा था जब मैं फर्स्ट पोजीशन आएगी तो मुझे कॉलेज नहीं चलना, तो यहाँ पे मैंने उसको अपना चैनल लगा दिया था डू विद फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा जाकर चेक करो प्लीज़। ओए बहन समझ रहे हो, ओके करो, ओके नहीं करो, क्रॉस करो, माउस है माउस, क्रॉस करो, हाँ जी इस वाली, उस वाली साइड से, उस वाली साइड से, हाँ हाँ बस आप ही तब देखो कब पकड़ने की जगह है यहाँ से। यार ये तो सोच रहा हूँ किधर है, अपर लेवल का एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि यार सोच रहा मैं इस तरह के कप मिलते थे चाय के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी फ्रेंड ने भिजवाए थे इसको, थैंक यू सो मच चाय भिजवाने के लिए इतनी सर्दियों में। और ये देखें मैं कॉलेज कैसा लगा, अच्छा आ जाओ यहाँ पे हम समोसे खाते हैं। यहाँ पे मेरी बहन खुश हुई हुई थी कॉलेज में आकर, पता नहीं कौन सी खुशी मिल रही थी इसे। यहाँ पे हम खाते हैं समोसे, क्या खाते हैं, समोसा। समोसा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो,
ट्राई कर दो एक दफा। यहाँ पे मैंने इसको लंच करवाया, समोसे लिए। वैसे तो हम बाहर से ऑर्डर करना था समा खाना, लेकिन यार इसने बोला कि मुझे आपकी कैंटीन के ना समोसे खाने हैं, क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो खाते हैं समोसे, तो उसने कहा मैं भी खाऊंगी। तो उसकी चटनी अच्छी लगती है मुझे इसके समोसों के साथ, लेकिन मेरी मम्मा को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था ये समोसा। और यहाँ पे यार खाना तो खाना होता ना हमने भाई, और क्या खा सकते हैं इन चीज़ों के अलावा, या घर से घर का बना खाना खाएंगे। और यहाँ पे हमारे टेस्ट चल रहे थे, तो मैं सबकी वीडियो बना रही थी कि भाई ये टेस्ट चल रहे हमारे, टीचर थोड़ी क्लास से बाहर गई, सबके सब बच्चे मिल गए और एक दूसरे के साथ देख देख कर टेस्ट लिख रहे थे। वाह क्या टेस्ट लिख रहे थे ये लोग। फिर टीचर को पता चला, टीचर ने भी सबको कम मार्क्स दिए, किसी को फुल नहीं दिए थे मार्क्स, क्योंकि चलो ये भी ठीक है फिर। और यहाँ पे मेरी बहन ना ये मेरा ना फ्रेम बना रही थी, कुशन आपको मैंने दिखाया होगा किसी व्लॉग में, तो ये इसको ना बनाने आ गया था। तो ये तो बैठी हूँ, कुछ दिन लग रहा है, मैंने बनाया तेल था, यहाँ पे तेल था और मैं गिर गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, 3,000 का टोटल बिल। वहाँ पे देखें हमने रोटियाँ मंगवाई 15 रुपये की, 20 रुपये, 15 रुपये की एक रोटी थी। तो ये सब ने मिलकर पैसे जमा करा और चीज़ें मंगवाई। वाइट कढ़ाई थी जो मैंने शायद पहले खाई भी है, ये अपनी कौन सी कढ़ाई थी मैं खुद भी भूल चुकी हूँ, मुर्गी थी, इतनी मस्त थी, मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। थोड़ी मैं मेरी मदद कर रही थी वीडियो बनवाने में, कहती पीछे ना देखना वरना आपका फेस रिवील हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं देखती नहीं देखती। और यहाँ पे अवार्ड देने गए हुए थे, जिन अवार्ड था, और यहाँ पे ना लड़की सब के सब ना अपने अपने ना जिसके स्पॉटर के झंडे पकड़े हुए थे। तो यहाँ पे हमें मिल गई जरताज गुल, अगर मैं प्रनाउन गलत करी तो यार माजरत, लेकिन फिर हमने इनसे मिली तो बातचीत की, तो यार बहुत मज़ा आया। अगर अच्छा आप बताएं कि हमने किसको वोट दे, रश तो गाइस देखें यहाँ पे ना मैं खा रही हूँ गजरेला, अभी भी नहा कर आई हूँ, फ्राइडे का दिन है, विद हीटर। और ये मेरे इंतखाब भी नहीं, इतना बोलते थे बराबर तो बोलते थे कि मैं वोट देख रही हूँ, टेस्ट करना मैंने किसका वोट दी है। और आप बताना आप लोगों ने किस किस का वोट दिया कमेंट में, जब तक आप लोग कमेंट करें तब तक मैं अपनी ये गजरेला इंजॉय करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ये बताना कि आपने किस किस स्पॉटर हैं, आप किस किस के स्पॉटर्स हैं। और मेरे ख्याल से अभी तक तो यहाँ का कोई भी रिजल्ट नहीं आया कि भाई कौन जीता है, बस अल्लाह जिसको जीता है उसको जीता है जो पाकिस्तान को आज़ाद करे। आमीन सुब आमीन, सब के सब आमीन लिखो नीचे कमेंट में। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।